नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश मौर्या, आप सभी का मौर्य पब्लिकेशन में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं कोरोना नाम का एक वायरस जो कि चाइना से ओरिजिन हुआ है, चाइना से आया है और ये पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में कुछ बेसिक चीज जानेंगे कि ये वायरस के साइंस सिम्टम क्या, इसके लक्षण क्या है, कैसे अपने शरीर में प्रवेश करता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सब आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोरोना वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर में कैसे कैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला आता है इसका साइन सिम्टम देखेंगे। सबसे पहला आता है सोर थ्रोट, मींस क्या होगा, गले में खराश टाइप होगा, मींस थोड़ा सा अगर हम लोग कुछ खाएंगे तो हम लोग को थोड़ा सा दर्द महसूस होगा गले में। फिर आता है ड्राई कफ, ड्राई कफ मींस क्या होगा, सूखी खांसी ऐसा खांसी हम लोगों को होगा, ड्राई कफ। फिर आता है हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर मींस क्या होगा, जब वायरस का इन्फेक्शन होगा तो हम लोग को जो फीवर होगा वो कितना होगा, 102 103 डिग्री फेरानाइट, इतना टेम्परेचर हम लोग को देखने को मिलेगा। फिर आता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में थोड़ा सा तकलीफ होगा। क्यों तकलीफ होता है, जब हम ये वायरस इंटर करता है हमारे बॉडी में तो वायरस क्या करता है, हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। जब हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, हमारा जो लंग्स कैसा होता है, स्पॉन्जी होता है, ठीक है, तो इसके वजह से इन्फेक्ट करने की वजह से क्या होता है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो जितना अमाउंट ऑफ एयर अपने शरीर में जाना चाहिए वो नहीं जाता है, जितना हवा हमारे शरीर में जाना चाहिए, हमारे लंग्स में जाना चाहिए वो नहीं जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, हम लोग को सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और जब उतना अमाउंट ऑफ एयर नहीं जाएगा तो उससे क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगा, जिससे वजह से क्या होता है, प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग को फटीग होता है, मीन्स थकान महसूस होता है। तो ये लक्षण जो है, जो मैंने अभी लक्षण बताया आपको, ये लक्षण खाली कोरोना के नहीं है, बहुत कॉमन कोल्ड के भी है, फ्लू के भी है, बहुत सारे चीजें जिसका लक्षण एकदम सेम है। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि हम लोगों को कोरोना वायरस से हम लोग को इन्फेक्शन हुआ है, तो कैसे समझेंगे, जब भी ये लक्षण आपको दिखता है, ये एक बेसिक क्राइटेरिया है, जब भी ये लक्षण आपको दिखता है तो आपको क्या करना है, आपके नज़दीक में जो भी डॉक्टर हैं, आपके नज़दीक में जो भी डॉक्टर है नर्सिंग होम में, वहाँ पे जाके आपको कंसल्ट करना है, उनको बताना है कि ऐसा ऐसा सिम्टम दिख रहा है, फिर वो लोग आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। प्लस अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम्स आपके अंदर दिख रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, नीचे मैंने एक नंबर दिया है उस पर आपको कॉल कीजिए, वो लोग आपको डिटेल में बताएंगे। फिर आता है रूट, अब देखेंगे हम लोग इसके रूट के बारे में। तो इसका जो रूट है, दो रूट है, एक माउथ है और दूसरा नोज है। माउथ और नोज से हमारे बॉडी में इंटर होगा और इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। तो इसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आता है आइसोलेशन, जो लोग भी बाहर से भारत में इंटर करते हैं तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो लोग भी इंटर कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो लोग ये वायरस के कैरियर हैं, क्योंकि ये जो वायरस है चाइना से आया हुआ है, इंडिया में उसका ओरिजिन नहीं हुआ है, कहाँ से है, चाइना से आया है। तो जब बाहर से जो लोग आ रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उन लोगों का पूरा फुल बॉडी चेकअप किया जा रहा है, जिसको अगर डिटेक्ट हो रहा है, जिसके अंदर वायरस डिटेक्ट हो रहा है, तो उनको आइसोलेट किया जा रहा है और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। फिर भी कुछ लोग अगर बच जा रहे हैं, कहीं से किसी माध्यम से अगर इन्फेक्शन बाहर स्प्रेड हुआ है, तो उन लोगों को भी आइसोलेट किया जा रहा है और प्लस उनका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो हमारा जिम्मेदारी क्या बनता है, अभी हमारा जिम्मेदारी ये है कि हम लोगों को अपने तरफ से भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अगर किसी को इन्फेक्शन है तो हम लोगों को उसके ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना चाहिए। प्लस अभी हम लोगों को पता नहीं है कि इन्फेक्शन किसको किसको हो सकता है, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़े दिन तक हम लोगों को बाकी सभी लोगों से थोड़ा सा आइसोलेट रहना चाहिए। फिर क्लीनिंग हैंड मीन्स क्या होता है, अभी ये वायरस जब भी सपोज कोई छींकता है, जब कोई पर्सन छींकता है तो अपने जब छींकता है तो उसमें से क्या होता है, एक ड्रॉपलेट बाहर आता है, मतलब एक पानी की बूंद बाहर आती है। ये जो पानी का बूंद है, इसके अंदर क्या होता है, ये पानी के बूंद के थ्रू ही कुछ पार्टिकल्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर आते हैं। अगर ये सपोज ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर आ रहा है, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किसी ने अगर वहाँ पे कोई दूसरा पर्सन आ गया, अभी वो स्मेल करेगा, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, उसके बॉडी में इंटर होगा, फिर वहाँ से इन्फेक्शन का जो चैन है स्टार्ट होता है। या फिर ये कहीं पे अगर हम लोग छींकते हैं तो क्या होता है, कोई सरफेस पे अगर जाके पड़ा रहा और मैं जाके उसके कॉन्टेक्ट में, अगर मैं उसको जाके टच करूंगा, उसके बाद अगर मैं कुछ खाता हूँ तो क्या होगा, वायरस मेरे बॉडी में इंटर होगा, फिर से इन्फेक्शन का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे या फिर सभी लोगों को क्या करना चाहिए, जब भी हम लोग कोई चीज़ टच करते हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अपना हाथ अच्छे से साफ करना चाहिए। हाथ साफ करने का मीन्स जरूरी नहीं कि सैनिटाइजर हो, अगर आप अच्छे से घर पे जाके पानी से या फिर साबुन से भी अच्छे से आप साफ करेंगे तो भी बहुत हद तक हम लोग इससे बच सकते हैं। फिर आता है अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट, जो लोग भी ज़्यादा बाहर ट्रैवल करते हैं, बाहर ज़्यादा घूमते हैं, उन लोगों से थोड़ा सा दूरी रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमेशा कुछ नए लोगों से मिलते हैं, अनजान लोगों से मिलते हैं, तो हो सकता है कि वो एक कैरियर हो सकते हैं।
इसीलिए हम लोगों को उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अब देखेंगे हम लोग इसके लाइफ स्पेन के बारे में। तो ये जो वायरस है ये कितने देर तक एयर में प्रेजेंट रहता है, तो ये 3 आवर तक रहता है, 3 घंटे तक ये एयर में प्रेजेंट रहता है। वायरस डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वायरस क्या होता है इनएक्टिव हो जाता है। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन फैलाने का जो उसका क्षमता हो जाता है वो कम हो जाता है, वो इन्फेक्शन फैला नहीं पाता है, इनएक्टिव हो जाता है वो। ठीक है, आप लोगों को मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। सपोज कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीवाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में एक क्षमता होती है जिससे हम लोग उससे लड़ते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उस क्षमता को हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कम होता है ये वायरस उन पे थोड़ा जल्दी अटैक करता है। जितने भी यंग लोग हैं उन लोगों को जल्दी इस वायरस से इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ा स्ट्रांग होती है। जो ओल्ड लोग हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, जो कई अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, तो इन लोगों का जो इम्यून सिस्टम है फिलहाल, इनका जो इम्यून सिस्टम है सब बीमारियों से लड़ने में लगा हुआ है, प्लस अगर ये वायरस उनके कॉन्टैक्ट में आता है तो वो जल्दी प्रोन होते हैं, यानी कि जल्दी उस वायरस के चपेट में जल्दी आ सकते हैं। तो इसीलिए जितने भी ओल्ड एज लोग हैं यानी कि पुराने लोग हैं उन लोगों को, प्लस जो भी डायबिटीज और कैंसर या फिर एचआईवी ये सब बीमारियों से पीड़ित हैं उन लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए और अपने आप को जितना हो सकता है उतना प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने 22 मार्च को कहा है कि एक जनता कर्फ्यू नाम का एक कॉन्सेप्ट लेके आया है। उन्होंने बोला कि उस दिन पूरा भारत बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा, उन्होंने भी एक रीजन बताया, जैसे कि अभी ये वायरस है 3 घंटे तक ही एयर में रह सकता है। अगर 3 घंटे अगर हम लोग पूरे उस दिन भारत बंद रखेंगे, अगर लोग बाहर नहीं आएंगे, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, तो एयर में ऐसा प्रॉबेबिलिटी बताया जा रहा है कि एयर में जो इसका इन्फेक्शन का जो मात्रा है वो कम हो सकता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू।